We're getting some breaking inputs now. We're given to understand Gujarat High Court has taken note of the Rajkot fire tragedy and the matter will be taken up tomorrow. Meanwhile, we've accessed a waiver, an undertaking that in fact was taken from the customers, asking them to agree that they would bear the risk if in case something like this happens. Ankit is joining us with more details on that undertaking. Yes, Ankit. In fact, we've accessed one of the undertakings, Swati. This is a signed undertaking. It says release of liability, waiver of claims, assumptions of risks, and indemnity agreement. By signing this document, you will waive certain legal rights, including the right to sue. And among the things that the customers forfeit is... they will freely and fully assume all inherent dangers and hazards. I hereby voluntarily assume all risk of loss, damage and injury, including death, that may be sustained by me or any property of mine while at the TRP go-karts and paintball. I acknowledge and represent, and a number of things that they are being made to sign. Here you can see that there are signatures here, and this is what the customers were being made to sign before essentially being put into this death trap is eventually what it became. And it's hard to imagine that those risks were made clear to these customers, that they could be a huge blaze and they would all perish in it. But this is what TRP made them do. Right, so this place was such that there could have been such accidents, and customers were asked to take full responsibility of that and waive off their right to sue. Hiten is joining us with more details. Hiten, ye to apna ek tarike se agar dekha jaye to death warrant sign karne jaisi baat hai ki aapko ye bataya ja raha hai ki agar aisa kuch bhi hota hai to aap hame sue nahi kar payenge aur zimmedari aapko leni apni jaan ki. बिल्कुल, मौत का एग्रीमेंट साइन करवाया जा रहा था. देखिए, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये एग्रीमेंट कॉपी मेरे हाथ में ही है. अगर इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि आई हियर बाय वॉलेंटरीली एज्यूम ऑल रिस्क ऑफ लॉस, डैमेज एंड इंजरी, इंक्लूडिंग डेट डेट मे बी सस्टेन बाय मी और एनी प्रॉपर्टी ऑफ माइन वाइल एट टीआरपी गो कार्ट्स एंड पेंटबॉल. यानी कि साफ साफ लिखवा के साइन किया जा रहा है कि अगर मुझे कुछ होता है या मैं मरता भी हूँ तो वो मेरी जिम्मेवारी होगी. टीआरपी जो गेम जोन है उसकी किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी. लेकिन इसी एग्रीमेंट कॉपी से यहाँ के जो ओनर है उन्हें गवर्नमेंट एक बड़ी और लंबी सजा दिला सकते हैं. उसका भी एक रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए ये सबसे लास्ट पॉइंट आप पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा है, डेट इफ आई एम अंडर 18 आई मस्ट बी हैव माई पेरेंट्स और लीगल गार्डियन साइन दिस फॉर्म. मतलब मैं 18 साल का हूं तो ही जा सकूंगा. और जो मौत का आंकड़ा आया हुआ है उसमें 28 लोगों में करीब 9 बच्चे ऐसे हैं जो 12 साल के कम उम्र के हैं और 7 बच्चे ऐसे जो 12 से 18 के बीच में हैं. तो आप सोचिए कि सिर्फ 18 या 18 के ऊपर के लोगों को अगर आप अलाउ कर रहे हैं और उनसे ये अंडरटेकिंग ले रहे हैं, उनसे ये मौत का सर्टिफिकेट अगर आप एग्रीमेंट अगर आप साइन करवा रहे हैं तो फिर 12 साल का बच्चा अंदर कैसे मरा, फिर 12 से 18 के बच्चे अंदर कैसे मरे, 12 साल के छोटे बच्चे अंदर कैसे मरे. तो ये कहीं ना कहीं ये जो एग्रीमेंट कॉपी ये खुद के बचाव में सभी कस्टमर से साइन करवाते थे, ये अब उनके लिए कहीं ना कहीं एक मुसीबत साबित होता नजर आएगा. ये पेपर गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर, अगर ये पेपर एसआईटी के पास पहुंच जाए, निश्चित तौर पर ये इन्वेस्टिगेशन अगर एसआईटी ढंग से करेगी तो ये एग्रीमेंट कॉपी. लेकिन अगर उस फॉर्म में आप नीचे देखें तो वहाँ पेरेंट सिग्नेचर ऑफ अंडर 18, यानी कि शायद दूसरी एक्टिविटीज के लिए जो अंडर एज बच्चे हैं उनको एंट्री दी जा रही होगी, लेकिन जो लोग गो कार्टिंग और पेंटबॉल जैसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है इस अग्रीमेंट में, इस पेपर के जरिए, कि जो एक्टिविटीज आप करने वाले हैं उससे जान को खतरा है, एंड देयरफॉर यू शुड टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. एंड दैट्स हाउ दिस पर्टिक्यूलर प्लेस दैट वॉज ऑपरेटिंग एज अ गेमिंग जोन वॉज पुटिंग द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कस्टमर्स इटसेल्फ.